सर? अच्छे हो ना? देखो बेटा, आज मैं आपको बुक नंबर 4 पढ़ाने वाली हूँ। ये बुक नंबर 4 में आप पेज नंबर 24 ओपन करेंगे। पेज नंबर 24, मिक्स बैग शेप्स, कलर द रेक्टेंगल्स येलो। यहाँ कुछ शेप्स दिए हैं, मैं शेप्स के नाम बताती हूँ आपको। ये है रेक्टेंगल। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। ये स्क्वेयर, इसे स्क्वेयर बोलते हैं। ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। ये सर्कल होता है। तो हमें यहाँ कलर द रेक्टेंगल्स येलो, अभी ये शेप है रेक्टेंगल का, तो ये रेक्टेंगल के शेप को हम येलो कलर करेंगे। आपको येलो कलर पता है? ये देखो येलो कलर, ये येलो कलर होता है। तो आप ये दोनों रेक्टेंगल में येलो कलर करेंगे, हाँ, ये दोनों रेक्टेंगल में। और नीचे क्या है? कलर द ट्रायंगल्स रेड। आपको ये ट्रायंगल शेप है, आपको ट्रायंगल शेप में रेड कलर करना है। ये देखो, ये मेरे हाथ में रेड कलर है, ये ट्रायंगल शेप में आप रेड कलर करेंगे। इस तरह आपको ये दोनों ट्रायंगल में रेड कलर और दोनों रेक्टेंगल में आपको येलो कलर करना है। कलर द ट्रेन विद द हेल्प ऑफ द कलर की गिवन बिलो। यहाँ एक ट्रेन दी है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रेन। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेन। ये ट्रेन है, ये ट्रेन पे एक ड्राइवर है, उनके हाथ में झंडा है, वो ट्रेन चला रहे हैं। ये एलिफेंट है, दिख रहा है आपको? एलिफेंट का फेस दिया है उसको, तो ये ट्रेन चला रहा है। तो ये ट्रेन में हम बैठते हैं अभी। चलो, किसको किसको बैठना है ट्रेन में? चलो हम सब बैठेंगे अभी ट्रेन में। पहले हम इसको कलर कर लेंगे, ओके। ये है आर। आर मतलब रेड कलर। ये रेड कलर, आर का मीनिंग होता है रेड कलर। सेकेंड इज ब्लू। बी का मतलब है ब्लू कलर, तो आप यहाँ ब्लू कलर करेंगे। और थर्ड वाई। वाई मीन्स येल्लो कलर, आप यहाँ येल्लो कलर करेंगे, ओके। और ये है ओ। ओ मीन्स ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर आप यहाँ पे करेंगे। और यहाँ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर में आप ऐसा ग्रीन कलर करेंगे, जी फॉर ग्रीन कलर। और ये है पी। पी फॉर ये पिंक या पर्पल, दोनों में से आप कौन सा भी कलर कर सकते हैं, ओके। पर्पल, आपके पास पर्पल है तो आप पर्पल करेंगे, अगर पिंक है तो आप पिंक कलर करेंगे। इस तरह आप ये ट्रेन को ऐसे कलर करेंगे, मैंने जैसे कलर आपको बताए हैं वैसे कलर आप यहाँ पे करेंगे और ट्रेन में बैठेंगे। आपको जो कलर पसंद है वो कलर की ट्रेन में आप बैठेंगे, वो सीट आप ले लेंगे, ओके। आपको अगर रेड कलर पसंद है तो आप रेड ट्रेन में बैठेंगे, आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। आज ट्रेन का सफ़र कर लेते हैं, ओके। और ये है बेटा हमारा आज का होमवर्क। अभी मैं आपको नोटबुक का राइटिंग देती हूँ। नोटबुक राइटिंग में आपको दो लेटर करने हैं। कल मैंने आपको एन तक दिया था, एन के बाद कौन सा लेटर आता है? एन आफ्टर ओ। एन के बाद ओ आता है। आप नोटबुक में ओ का प्रैक्टिस करेंगे और ओ के बाद पी आता है। आप ये दो लेटर हमारे होमवर्क की नोटबुक में लिखेंगे। आपको पता है ना, 3-3 times लिखना पड़ता है। ऐसा ओ ओ ओ ऐसा 3 times वन पेज करेंगे आप, और सेकेंड पेज पे ऐसा पी पी 3 times करेंगे, उसको डाउन डाउन करेंगे। ये दोनों लेटर हमारा आज का होमवर्क, ये हमें नोटबुक में करना है, इंग्लिश की नोटबुक में, ओके। अंडरस्टूड? बाय, सी यू।